गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टार एजुकेशन आप सभी के लिए। दोस्तों एसएससी जीडी 2000 जो 21 की वैकेंसी है उनके लिए टॉप 25 प्रश्न लेकर आई है। ये 25 प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, तो 25 में से आपकी कितने सही है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल पाने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? जल्दी से प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए फटाफट से। यस दोस्तों, ऐसे जो जो डीएनए टेस्ट होता है या तो किसी न्यायालय के छानबीन में सहयोग वैज्ञानिक परीक्षण के लिए या पैतृक विवाद के लिए, केवल संकट प्रणाली के रक्षक के लिए। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा? जल्दी से प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो। और वीडियो के अंत में 25 में से 25 किसके सही हो रहे हैं और आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और साथ साथ में 45 जो यहाँ पर 50 मॉडल पेपर सेट है, फुल 50 मॉडल पेपर सेट है, अभी 199 के अंदर चल रहा है, परीक्षा तक का है। 80% डिस्काउंट दे रहे, कितनी दोस्तों? 80% डिस्काउंट है और ये 5000 स्टूडेंट के ऊपर। कितने हैं? 5000 स्टूडेंट के ऊपर है। तो जल्दी से जाइए एसएससी जीडी पीडीएफ्स, और यहाँ पर आपको ई नोट्स मिलने वाले हैं और 50 फुल पेपर सेट मिलने वाले हैं। तो आपकी रैंकिंग बताई जाएगी कि आपके कितने रैंक हैं, कौन से स्थान है। तो जल्दी से स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए 9461041363 पे जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें और व्हाट्सएप मैसेज करें। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का उच्च सेनापति का नाम क्या है? जो सर्वोच्च सेनापति है उनके नाम के बारे में पूछा गया है, और वो सर्वोच्च सेनापति हैं दोस्तों राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो जल्दी से जाइए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें। अगला देखेंगे, अगला है कमलंग। देखिए कमलंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या नागालैंड? क्या बात है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर है। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्या बात है, संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग प्रमुख रूप से दायित्व है? सिक्स नंबर प्रश्न। क्या है? सिक्स नंबर प्रश्न का राइट आंसर सुरक्षा परिषद। क्या है दोस्तों? सुरक्षा परिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर, सुरक्षा परिषद। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर कब हुई? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। वर्ष 1907 के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुआ विभाजन के नाम से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस विभाजन 2007 की बात करें तो 2007 के अंदर सूरत फूट, कौन सा अधिवेशन हुआ था? सूरत फूट। और जो 1916 है, 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन हुआ, कौन सा अधिवेशन हुआ? लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और इसमें वापिस समझौता हो गया था। लेकिन 1907 के अंदर कौन सा? सूरत। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? 9 नंबर प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक।
माई एक्सपेरिमेंट विद द टूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद द टूथ किसने लिखा? जल्दी से बताइए प्रश्न का उत्तर दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न का। क्या बात है, इसका राइट आंसर सभी का करेक्ट है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। संविधान सभा का अस्थायी सभापति किससे नियुक्त किया जाता है? संविधान सभा का अस्थायी सभापति किसे नियुक्त किया जाता है? 11 नंबर प्रश्न किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रारूप, देखिए संविधान के अंदर जो प्रारूप समिति होती है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है बताइए जल्दी से? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? 12 नंबर प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, चलिए बी आर अम्बेडकर। कौन है? बी आर अम्बेडकर आपका राइट आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव किस कौन सी विधि, देखिए चुनाव की कौन सी विधि, राज्यसभा के चुनाव के बारे में पूछा है और उस चुनाव की विधि के बारे में पूछा, उस विधि का नाम क्या है? क्या बात है, सभी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों। और जो राजस्थान के अंदर जो आपकी वैकेंसी आ रखी है, एसएससी के अंदर जो वैकेंसी आने वाली है, उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं अपन। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कौन सा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आपका राइट आंसर है। देखिए अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? राइट आंसर इज अर्थशास्त्र। कौन सा है दोस्तों? अर्थशास्त्र के बारे में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के बारे में दिया गया था। सिख गुरु तेज बहादुर की किसने मृत्यु करा? दोस्तों तेज बहादुर का मतलब क्या है? तेज बहादुर एक व्यक्ति है जिसने सिख धर्म यानी गुरु गोविंद, देखिए सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, सिख धर्म के अनुयायी माने जाते हैं, सिख धर्म चलाने वाले थे, लेकिन मृत्युदंड औरंगजेब के द्वारा दिया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। किस वृहत जवारों से सबसे ऊंचे जवार किस समय विघटित होते हैं? जवार और भाटा नाम सुना होगा दोस्तों, 16 नंबर और 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ये है, विश्वत के साथ पूर्णिमा या अमावस्या के दिन। नील नदी के डेल्टा को किस नाम से पुकारा जाता है? नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी, इसका राइट आंसर है ओरी सिस। क्या है? ओरी सिस। भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर दिया गया? क्या बात है दोस्तों, सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो विभाजन हुआ था किस स्वीकृति, किस योजना की स्वीकृति पर दिया गया था? 18 नंबर है माउंट बैटन योजना। कौन है? माउंट बैटन योजना के अंतर्गत दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन, देखिए निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख स्तंभ लेख में दिल्ली लाया गया? देखिए किस स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया था, स्तंभ लेख के बारे में पूछा गया था। क्या बात है, ये है मेरठ या और टोपरा, मेरठ और टोपरा का जो अभिलेख है यह दिल्ली लाया गया था। कहाँ लाया गया था? दिल्ली लाया गया था। चलिए अगला, इंड आइस, इंड आर्क के संबंध में कौन सा संबंध सत्य है? तो इसका सीधा आंसर मैं बता देता हूं, आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत में अंतर्जलीय वेधशाला, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? दास प्रथा के बारे में पूछा, 21 नंबर प्रश्न दास प्रथा के बारे में पूछा गया, और दास प्रथा है अब्राहम लिंकन। कौन है दोस्तों? अब्राहम लिंकन आपका राइट आंसर है।
भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार सुकुमार सेन या कुमार सेन, सुकुमार सेन आपका राइट आंसर है। राष्ट्रपति राज्य में कितने सदस्य मनोनीत करता है? दोस्तों राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा के अंदर 2 सदस्य मनोनीत करता है, और प्लस की बात करें राज्यसभा के अंदर कितने, सॉरी लोकसभा के अंदर कितने, 2। तो लोकसभा के अंदर 2 हो गए और राज्य में कितने हो गए, 12। तो इसका राइट आंसर क्या, 12 सदस्य। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? यस, इसका राइट आंसर 1 रुपए है, 1 रुपए के अंदर वित्त मंत्रालय यानी वित्त मंत्री का होता है, वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुरा के इस्पात लगाए गए, यानी बड़े बड़े उद्योग, कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना, कौन सी दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स करें, और अगर आपको 50 प्रैक्टिस सेट चाहिए, कितने हैं दोस्तों, 50 फुल प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो हमारी टीम के द्वारा 199 रुपये इसका चार्ज है, और परीक्षा तक है, ये ध्यान रखना परीक्षा तक है, जब तक आपकी परीक्षा होगी तो जल्दी से जाइए, स्क्रीन के ऊपर 9461041363 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, धन्यवाद।